योगी राज में हर कूड़े की मिलेगी कीमत, यूपी में कचरा डालने पर पैसे उगलेगी मशीन। जी हाँ, ये सुनने में आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये 16 आने सच है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को साफ सुथरा रखने के लिए सूबे की योगी सरकार ने गार्बेज वेंडिंग मशीन की शुरुआत की है। इस मशीन का उद्घाटन नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने किया। इस मशीन के लग जाने के बाद अब आपको खाली बोतल या दूसरी बेकार की सामानों को इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं। अब आप बेकार सामान यानी कूड़े कचरे को इस गार्बेज एटीएम यानी रिवर्स वेंडिंग मशीन में फेंक सकते हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि इसमें कूड़ा डालने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे। मशीन में एक प्लास्टिक की बोतल डालने पर 1 रुपया मिलेगा, कांच की बोतल डालने पर 2 रुपया मिलेगा। जो भी कैश मिलेगा वो ई वॉलेट में आएगा। वहीं मशीन में आधार कार्ड रीडर लगा है, जिससे कूड़ा डालने वाले की पहचान होगी। मशीन में 200 मीटर की रेंज तक फ्री वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध है। सबसे खास बात तो ये है कि इस मशीन के जरिए आप पानी और मोबाइल का बिल भी पे कर सकते हैं, साथ ही इससे कैब भी बुक की जा सकती है। राजधानी में फिलहाल 2 जगह हजरतगंज और 1090 चौराहा पर ये एटीएम लगाया गया है। इससे पहले बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज इलाके के हनुमान मंदिर के पास लगाए गए गार्बेज एटीएम का निरीक्षण किया। उन्होंने इस एटीएम के काम करने की प्रक्रिया को समझा और इसकी तारीफ भी की। योगी ने कहा कि ये मशीन एक नया इनोवेशन है, जिसने ये साबित किया है कि कूड़े की भी एक कीमत होती है। इतना ही नहीं, इस दौरान सीएम ने इस मशीन का आविष्कार करने वाले मधुरेश को भी धन्यवाद दिया। जाहिर है योगी सरकार की ये पहल स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।